हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, सेकेंड और थर्ड ईयर का बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की क्लासेज स्टार्ट होने के बाद छात्र अब इस चीज़ को लेकर असमंजस में हैं कि उनकी जो है सेकेंड और थर्ड ईयर की क्लासेज जो है वो कहाँ पर लग रही है, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के पास मैसेज नहीं आया है और ना SOL की वेबसाइट जो है sol.du.ac.in पे, इस पे भी आप देख सकते हैं कि कहीं भी सेकेंड और थर्ड ईयर को लेके कोई भी अपडेट नहीं डाला गया है। तो इसी को लेके छात्र कन्फ्यूजन में हैं और उन्हें नहीं पता चल रहा है कि उनकी क्लासेस जो है वो कहाँ पे हो रही है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो है कहीं से सेंटर का लिस्ट जो है सभी कोर्सेस का मिल चुका है सेकेंड और थर्ड ईयर का। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं कि आपके क्लासेस कहाँ पे होगी। तो सब ये वीडियो जो है तीन अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कहाँ आपकी क्लासेस हो रही है सेकेंड और थर्ड ईयर की, चाहे वो बीए प्रोग्राम का हो, चाहे बीकॉम प्रोग्राम का हो, चाहे इंग्लिश ऑनर्स का हो। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये बीए प्रोग्राम का है सेकेंड और थर्ड ईयर का जो है क्लासेस का ये टाइम टेबल है। ये जो क्लासेस होगी आपकी वो 1 बजे से होगी, किसी कारणों से जो है मॉर्निंग में क्लासेस जो है नहीं हो रही है, सिर्फ इवनिंग में क्लासेस हो रही है, और जब मॉर्निंग में होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं ये बीए प्रोग्राम का है सेकेंड और थर्ड ईयर का जो है सेंटर लिस्ट है, जहाँ पे आपकी क्लासेस हो रही है। तो सबसे पहले हम बॉयज़ की बात कर लेते हैं कि इनकी कहाँ कहाँ पर सेंटर है और ये जाके वहाँ पर क्लासेज ले सकते हैं। तो ये जो सेंटर लिस्ट है, ये सेंटर का नाम जो है वो दयाल सिंह कॉलेज है, यहाँ पर आप जाके क्लासेज ले सकते हैं। दूसरा कॉलेज जो है स्वामी श्रद्धानंद, ये अलीपुर में है, यहाँ पे आप जाके क्लासेज कॉलेज जो है इसमें आप क्लासेज ले सकते हैं, ये अशोक विहार में है। शहीद भगत सिंह जो है ये साउथ कैंपस में है, तो यहाँ पे आप जाके क्लासेज ले सकते हैं। अरविंदो कॉलेज है, यहाँ पे आप क्लासेज जो है ले सकते हैं, ये मालवीय नगर में है, मेट्रो स्टेशन पास का यही है। और एक जो कॉलेज है SOL का ही जो है साउथ कैंपस में मोतीबाग में जो है, तो यहाँ पर आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो यहाँ पे जाके आप क्लासेस ले सकते हैं। ये सिर्फ जो है बॉयज़ के लिए था। अब गर्ल्स के लिए हम बात करते हैं। गर्ल्स का जो सेंटर है वो कैंपस लॉ सेंटर है, ये नॉर्थ कैंपस में है, तो आप यहाँ पे जाके जो है क्लासेस ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है, ये भी नॉर्थ कैंपस में ही है, लॉ फैकल्टी के बगल में ही है, तो आप यहाँ पर भी जाके क्लासेज ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, ये भी नॉर्थ कैंपस में ही है, आर्ट्स फैकल्टी के आसपास ही, तो आप यहाँ पे जाके क्लासेस ले सकते हैं। बाकी आपकी जो है हंसराज कॉलेज में भी क्लासेस हो रही है, तो आप यहाँ पे भी जाके क्लासेस ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, ये साउथ कैंपस में है, तो आप यहाँ पे जाना चाहें तो यहाँ पे भी जाके क्लासेस ले सकते हैं। बाकी राजधानी कॉलेज है, ये भी साउथ में ही आता है, वेस्ट में, तो आप यहाँ पे भी जाके क्लासेस ले सकते हैं। बाकी कालिंदी कॉलेज है, ये भी वेस्ट में ही आता है, तो आप यहाँ पे जाके क्लासेस ले सकते हैं। जिन भी कॉलेज में जाएंगे आप, तो वहाँ पे जाके अगर वहाँ पे क्लासेस हो रही है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। अटेंडेंस का कोई चिंता मत करिएगा कि आपका अटेंडेंस इस कॉलेज का मैसेज आया है तो हमें इसी कॉलेज में जाना है, अटेंडेंस कोई नहीं होता है, तो इसलिए उसका आप इंतज़ार मत करें कि अटेंडेंस भी होगा, इसलिए तो अटेंडेंस नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए आप इन कॉलेज में जाके अगर आपका नियर बाय जो घर के आसपास का कॉलेज है इनमें से अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पर जाके आप क्लासेस ले सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अलग कोर्स की बात करेंगे हम कि उनकी क्लासेस कहाँ हो रही है। बाकी अगर बीए प्रोग्राम के छात्र हैं आप, तो ये आप देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो उनको दूर हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि SOL से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलता रहे। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।